ये सरदार शहर का बस स्टैंड है जहाँ से ये हमारी जर्नी शुरू हो रही है। दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सरदार शहर हैं और यहाँ से अजमेर जाने वाले हैं और आज के सफ़र में ये हमारी बस है जो हमें सरदार शहर से अजमेर लेके जाएगी। यहीं से ये स्टार्ट होती है, तो आइए शुरू करते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। तो ये हम अभी सरदार शहर से चल पड़े हैं और ये ड्राइवर साहब हमारे साथ में इस सफ़र में रहने वाले हैं और ये सरदार शहर बस स्टैंड से बाहर निकल रहे हैं अभी। और ये हमारी बस है पूरी। देखेंगे सालासर के लिए जाने वाले यात्री चल रहे हैं साइड में और ये पूरा जो रास्ता है ये सालासर की तरफ ही जा रहा है। आगे से जयपुर बीकानेर का रास्ता भी निकल जाता है और सीधा फिर सालासर अजमेर की तरफ निकलता है। तो इस सफ़र में हमें ये यात्री बहुत सारे मिलने वाले हैं, लाइन से चल रहे हैं आप देखें। यहाँ आप देखेंगे ये इच्छापुरण बालाजी का मंदिर है सरदार शहर हाईवे के ऊपर, गंगानगर जयपुर हाईवे के ऊपर। और ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए, आप ये सामने मंदिर का एंट्रेंस है और ये सामने का पूरा नज़ारा है। और ज़्यादातर ये सालासर जाने वाले यात्री पैदल यात्रियों का यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और इस सफ़र में हम अजमेर तक जा रहे हैं, तो अजमेर यहाँ से तकरीबन 325 किलोमीटर है और ये सफ़र हम तकरीबन 8-8.5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। और इस सफ़र का, इस बस का किराया 305 रुपये है। तो अच्छा सफ़र रहने वाला है, रास्ता अच्छा है अभी तक यहाँ, तो ये अच्छा हाईवे है और आगे देखते हैं कैसा रास्ता हमें मिलता है। बने रहें पूरे सफ़र में हमारे साथ और एंजॉय करें। और ये पहला टोल आ गया है अभी, इस रोड पहला टोल है। ये रतनगढ़ अभी पहुंच गए हम लोग, सरदार शहर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर चल के। और ये रतनगढ़ का बस स्टैंड है, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद आगे का सफ़र चालू करेंगे। बने रहे पूरे वीडियो में। ये रतनगढ़ का अंदर का रोड है, बहुत ही खस्ता हाल है इसका, बहुत ही ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। तो इस पर भी थोड़ा
थोड़ा सा प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। रतनगढ़ के अंदर जो है वो बहुत हालत खराब है रोड की। और ये रास्ता भी यहाँ से सुजानगढ़ को जाएगा। रतनगढ़ से चल के थोड़ा ही आगे आए हैं और ये यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर हमने रास्ता कर लिया है और काफी लंबा रास्ता और अभी बाकी है। और ये अभी जैसे ड्राइवर साहब ने बताया हमें तकरीबन 8.5-9 घंटे का सफर रहने वाला है सरदार शहर से अजमेर तक का। अजमेर तकरीबन 5 बजे के करीब पहुंचने वाले हैं और सरदार सर से हमने 8:15 बजे स्टार्ट किया है। काफ़ी लंबा ये रास्ता है और थका देने वाला रास्ता है ऐसा लगता है, क्योंकि इतना टाइम लगेगा तो सफ़र थक जाता है। और यहाँ पर ये मदीना मस्जिद छापर है, अभी छापर में हमें अभी काफ़ी बड़ी एक मस्जिद और भी आ रही है। उस तरह से ये रास्ता हमारा होने वाला है। बने रहें पूरे वीडियो और मेरे साथ में एंजॉय करें। अभी हम सुजानगढ़ पहुंच गए हैं। ये कुछ चाट वगैरह यहाँ पर समोसे पकौड़ी कचौरी और सरदार सर से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र हो गया है और यहाँ से आगे अभी अजमेर का तकरीबन 200 किलोमीटर का 225 किलोमीटर का सफ़र है। मार्बल की मंडी आ गई यहाँ पे लाडनो में। अभी लाडनो एंट्री कर रहे हैं। ये लाडनो का बस स्टैंड आ गया है। ये लाडनो का बस स्टैंड है। लाडनू से टीटमा के रोड में रास्ता इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, चलेगा। चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रोड है लेकिन इतना अच्छा बना हुआ नहीं है।
अभी हम डीडवाना पहुंच गए हैं। जाओ भाई सर, ये डीडवाना का बस स्टैंड है। डीडवाना का बस स्टैंड है और ये हमारी गाड़ी है। अभी डीडवाना से निकल रहे हैं अभी, और तकरीबन आधा रास्ता हमने सफ़र कर लिया है और अभी अजमेर तक आधा रास्ता बाकी है। डीडवाना से चल के एक और टोल आ गया। अभी हम कुछ सामान पहुंचने वाले हैं। अभी हम कुछ सामान सिटी में एंट्री करें। सबसे अलग तरह का बस स्टैंड है, जो काफी बड़ा लंबा चौड़ा एरिया में बना है। आप शुक्रिया। और खुली बाहर की तरफ नया बना हुआ है और काफी सफाई बता रहे हैं, लेकिन सफाई इतनी नहीं दिख रही है। अभी कचरा रहता ही है, क्योंकि ये हम लोग ही करते हैं, हम लोग ही करते हैं। तो ये कुछ हम लोग ही करते हैं, हमें जिम्मेदार है। बिल्कुल, कचरे की हम लोग जिम्मेदार है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कचरा नहीं फैलाएं, साफ सुथरा रखें। अब इतना बड़ा, इतना सुंदर ये बस स्टैंड बनाया है, लेकिन यहाँ भी लोगों ने कचरा कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें। लोगों ने किया है, ये ड्राइवर साहब भी शिकायत करें तो ये हम सभी से शिकायत है। जनता ने किया है कचरा, जनता ने कचरा किया यहाँ। ये वापस कुचामन से निकल गए हैं। कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत किया गया है यहाँ पर। और ये वापस अभी हम अजमेर के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी हम कुचामन सिटी के बाहर कुचामन के रोड पर चल रहे हैं अजमेर की तरफ। आज 30 सितंबर है और अभी तकरीबन 2 बज गया दोपहर का। बहुत ज़्यादा गर्मी आज है यहाँ पर कुचामन में, ऐसा लगता है बारिश फिर दोबारा आएगा। बहुत तेज़ गर्मी यहाँ पर हो रही है और ये आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि धूप काफ़ी है, लेकिन क्लियरिटी है वीडियो के लिए, क्लियरिटी है। तो ये यहाँ का कुचामन से चलते हुए व्यू, आगे बढ़ते हैं अजमेर तक हम चलते हैं। एक और टोल आ गया कुचामन से निकलते ही। ये अभी हम परबतसर पहुंचे हैं। परबतसर से अजमेर तकरीबन 70 किलोमीटर और रह गया, तो अगले 1.5 घंटे में करीब अजमेर पहुंचेंगे। अभी ये परबतसर का बस स्टैंड और पूरा मार्केट है। काफ़ी गर्मी है, ड्राइवर साहब पानी पी रहे हैं। और ये मेरा बैग है और ये हमारी गाड़ी है। और ये मार्बल और ग्रेनाइट की नगरी, किशनगढ़ आ रही है। और ये रूपनगढ़ आ गया और यहाँ नज़दीकी मकराना है। तो यहाँ पर चारों तरफ मार्बल ही मार्बल है, यहाँ पर सफ़ेद मार्बल, ग्रेनाइट दोनों का यहाँ पर भंडार है। बस ये रूपनगढ़ आ गया है और आगे किशनगढ़ 25 किलोमीटर है और साइड में मकराना भी नज़दीक है।
ये आप देखें दुकानें भी यहाँ पर मार्बल की, मार्बल की मार्बल यहाँ पर, क्योंकि किशनगढ़ तो पूरी मंडी है मार्बल की, मार्बल की सबसे बड़ी विश्व की मंडी मार किशनगढ़, जो आगे यहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर है। और अभी हम रूपनगढ़ में हैं और ये आप देख पा रहे हैं रूपनगढ़ में मार्बल ही मार्बल। और ये आ गया रूपनगढ़ का बस स्टैंड, यहाँ पर कोई भी बस नहीं है, एक बस स्टैंड के अंदर से खाली एंट्री करके वापस आउट हो रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी बस नहीं है। सबसे बड़ी मंडी है मार्बल की, इसलिए यहाँ पर आप मार्बल ही मार्बल दिख रहा है। ज़्यादा है वैसे ये सफ़र 5.5-6 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन एक तो रोडों की कंडीशन और दूसरा गाड़ी के स्टॉप ज़्यादा होने की वजह से हमें वक्त लगा और हमने ये 8.5 घंटे में सफ़र पूरा किया। ये भी देखो यात्रा हमने शांतिपूर्वक की है। जी जी ड्राइवर साहब बोल रहे यात्रा शांतिपूर्वक, बिल्कुल ये तो था, बिल्कुल आराम से हम आए हैं, वक्त लगा है लेकिन आराम से हमने ये सुरक्षित यात्रा पूरी की है। वक्त लगने का कारण मैंने आपको बता दिया, लेकिन ओवरऑल अच्छा सफ़र था। लंबा होने की वजह से थकान जरूर हो जाती है। अभी हम अजमेर पहुंच गए हैं, अजमेर का बस स्टैंड में हमने एंट्री कर लिया है। ये हमारा अजमेर का बस स्टैंड और ये हमने सफ़र ये ड्राइवर साहब के साथ में पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ड्राइवर साहब, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने देखा अभी तक वीडियो। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।